स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड के चिरकुंडा में भारतीय जीवन बीमा शाखा में एक दिवसीय हड़ताल जारी। सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकरण करने को लेकर भारतीय जीवन बीमा के अभिकर्ता गण शाखा कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शाखा सचिव रवानी गुप्ता ने बताया कि सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी हैं। ये सरकार पूंजीपति वर्ग को ज्यादा सपोर्ट करती है। सरकार बैंकों का विदेशीकरण कर रही है। सरकारी उपकरणों को औने पौने दामों पर बेच रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। ग्यारकुंड संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ में हमारा जो अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ है, उसके आह्वान पे हम लोग पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर अखिल एलआईसी ऑफ इंडिया में हड़ताल कर रहे हैं। आज का जो हमारा मुख्य मांग है, इस सरकार की जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और पीएसयू विरोधी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के खिलाफ में हम लोग हड़ताल पर गए हुए हैं। सरकार जो है बैंकों का विनिवेशीकरण कर रही है और सार्वजनिक उपकरणों को औने पौने दामों बेच रही है। साथ ही साथ जो फार्मर्स बिल आया है वो किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। लेबर कोड्स जो आए हुए हैं वो किसी भी तरह से मजदूरों के हित में नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर साथ साथ सरकार जो ये प्रयास कर रही है कि LIC में IPO का लाया जाए और LIC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग किया जाए, उस प्रयास का भी हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक दिवसीय हड़ताल है या अनिश्चित काल? ये एक दिवसीय हड़ताल हमारा है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग 2.5 साल काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना जायबाल का, ऑपरेटर का, सुपरवाइजर, कुछ हेल्पर का भी अभी तक बी फॉर्म का नाम नहीं चला। और हम लोग 6 महीना तक हम लोग केस किए हैं, और अभी केस में किए हैं कि हम लोग को सरकारी रेट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक 6 महीना तक हम लोग कोई फैसला नहीं दिया। और हमारा हाजिर है 316 रुपया पर डे का हाजिर। 26 दिन काम करते हैं तो 30 दिन का हिसाब से हम लोग को पैसा मिलता है। आप कौन सा डिपार्टमेंट में हैं? हम सुपरवाइजर में हैं। अच्छा, तो हम लोग विरोध करते हैं तो मैनेजमेंट बोलता है तुमको काम करना करो, नहीं करना तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैनेजमेंट का मेन आदमी कौन है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह मैन है और मेन मालिक है विश्वजीत घोष।